पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, सियासी गलियारों में सियासत तेज, चुनाव आयोग और प्रशासन ने कसी कमर, सरकार के आदेश का इंतजार। जिस दिन से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी दी है, उसी दिन से हर रोज प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब सरकार भी जल्द चुनाव कराने के मूड में है। जो हमारी पंचायतें हैं, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने पिछले दिनों निर्णय दिया और जो हमने अमेंडमेंट 2020 में करी थी उसको स्टे ना करते हुए परमिशन दी है। अब क्योंकि कई जगह ड्रॉ ऑफ लॉट्स पेंडिंग थे, जैसे ही वो आ जाते हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिल्स के चुनाव के लिए सरकार ने सिफारिश कर रखी, पंचायत चुनाव की सिफारिश को भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि अगले महीनों के अंदर प्रदेश में म्यूनसिपल कमेटी, काउंसिल और जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रॉपरली हम कंडक्ट करवा पाए। पंचायत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है और बहुत जल्दी अगले एक दो महीनों के अंदर हम चुनाव में जा रहे हैं। कोविड का समय तो आप सब जानते हैं और पंचायत लेट हुई, बिल्कुल थोड़े से डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती थी मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। इस बार निकाय चुनाव की टक्कर बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के अलावा मैदान में आम आदमी पार्टी भी होगी, जो अभी पंजाब में फतह हासिल करने के बाद पूरे जोश में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का दावा है कि प्रदेश में आपका कोई जनाधार नहीं है। दूसरी पार्टियों में भी पार्टी संभल पर नहीं हुए, तो ये इस पर तो पार्टी संभल पर होगा नहीं। नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पार्टी संभल पर लड़ेंगे, और जहाँ तक नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हैं उसके बारे में अभी मंथन नहीं हुआ है। हमारे जो शीर्ष, हमारे जो नेता हैं, प्रभारी जी हैं और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ परामर्श करके और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि उसमें नगर पालिका, नगर परिषद का क्या होता है। उधर चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। जींद में चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान डीसी डॉक्टर मनोज कुमार, नरवाना के एसडीएम संजय बिश्नोई और एसपी नरेंद्र बिजनानिया मौजूद रहे। बैठक के बाद चुनाव आयुक्त ने बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45 से 60 दिन लगते हैं, उसके बाद एक चरण के चुनाव के लिए 25 से 26 दिन का समय लगता है। ऐसे में पंचायत की पूरी चुनाव प्रक्रिया में 3 माह का समय लगेगा। नहीं, अब जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से एक होता है कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो कर दी है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। प्रदेश में 6,226 सरपंचों और 62,040 पंचों का चुनाव होना है। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि सरपंचों का चुनाव ईवीएम से करवाया जाएगा। सूबे में पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 है, जबकि जिला परिषद की सीटों की संख्या 411 है। सभी जिलों में कुल 143 ब्लॉक हैं। छोटे जिलों में 4 और बड़े जिलों में करीब 9 ब्लॉक हैं। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा हो चुका है। शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर